भारतीय जनता पार्टी का कुनबा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जाहिर तौर पर पहले इंडियन नेशनल लोकदल के कई विधायक आए, आज भी कुछ लोग शामिल हुए हैं और पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की एक सीट आई, उनके विधायक भी अंतोगत्या लास्ट समय पर भी छोड़ करके चले गए और स्थिति को भी भाजपा का दामन थाम लिया। सर, क्या लगता है कि बड़े दिन बाद आए तो दुरुस्त आए? आपको बीएसपी वाले कहते हैं आप हमारे साथ नहीं हो, लोग तभी क्यास लगा रहे थे कि आप शायद बीजेपी ज्वाइन कर लें, लेकिन बड़ा लेट हो गया प्रोसेस में। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो मैं देर नहीं आया, मैं सबसे एडवांस आया था। 26 अक्टूबर 2014 को जब माननीय मुख्यमंत्री जी का लीडर चुना गया था हाउस का, उस दिन मैं पहला शख्स था जिसने राज्यपाल को अनकंडीशनल सपोर्ट रिटर्न में दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करूँगा, और उसमें माननीय मोदी जी के विचारों से प्रभावित होकर के सबसे पहले मैंने किया था। उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी बने और उनकी विचारधारा जिस तरीके की देखी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के जिस तरीके से काम हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आदमी राजनीति में जन सेवा के लिए और अपने सम्मान के लिए रहता है। यहाँ जन सेवा के रूप में बहुत विकास कार्य हुए, सम्मान के रूप में जो प्यार एक होना चाहिए राजनीतिक रूप से, वो पूरा सम्मान मिला है। इसलिए जो है ना, इससे ज़्यादा आदमी की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ती रहती है, तो बाकी मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया पार्टी, इससे बढ़िया शायद माननीय मनोहर लाल जी से अच्छा मुख्यमंत्री, और इस देश को नरेंद्र मोदी जी से जैसा प्रधानमंत्री शायद ना कोई पैदा हुआ है ना कोई पैदा होगा। तो जाहिर तौर पे आपने सुना कि साफ तौर पे विधायक साहब का ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई विकल्प नहीं, और विपक्ष की स्थिति यह है कि उनकी कुर्सियां अभी भी खाली पड़ी हैं, और चुनाव में साफ दर्शाता है कि बीजेपी की जय है और विपक्ष कहीं ना कहीं पराजय नजर आ रही है। कैमरामैन सियाराम के साथ कुमार रमेश, R9 TV, चंडीगढ़।